हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज हम बनाने वाले हैं क्रॉस होल्डर, जो कि बिग व्हीकल में प्रोपेलर शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। इसमें कई बेसिक फीचर्स यूज किए गए हैं, जैसे बॉस बेज, एक्सट्रूड कट, रिवॉल्व कट, होल विजार्ड। तो कैसे बनेगा, क्या है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक चीज़, एक एक टूल कैसे यूज किया गया है इसमें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच, सर्कल, सर्कल क्रिएट करेंगे और इसमें डायमेंशन अप्लाई करेंगे 120 mm। एक्सट्रूड बॉस में इसकी थिकनेस रहेगी 10 mm। ब्लाइंड कंडीशन ओके, बॉटम फेस सिलेक्ट करेंगे, स्केच, सर्कल क्रिएट करेंगे जिसका डायमेंशन 82 mm अप्लाई करेंगे ओके। इसकी हाइट लेंगे हम 3 mm, ब्लाइंड कंडीशन ओके। राइट प्लेन, स्केच, लाइन को रिवर्स ले जाने के बाद ऑटोमेटिक सर्कल आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इस स्केच को हम डायमेंशन अप्लाई करेंगे इसमें 90 mm। विड्थ 22 mm। ओरिजिन पॉइंट से 35 mm। रेडियस 35 ओके। इस पॉइंट के साथ वर्टिकली रिलेशन बना देंगे। हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन बता रहा है, इसे भी एक्सट्रूड बॉस बेज, इसकी वॉल थिकनेस रहेगी 52 mm। ब्लाइंड कंडीशन मिड प्लेन ओके। सी, फिलेट, अभी स्क्वायर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए हम फुल रेडियस फिलेट का यूज करेंगे। तो सबसे पहली फेस लेंगे, ये आगे वाली सेंटर में टॉप एंड थर्ड वन बैक साइड ओके। फेस सिलेक्ट, स्केच, टॉप रेडियस लाइन पे पेंसिल का निशान ले जाओगे तो यहाँ पे प्लस पॉइंट आएगा, यहाँ से हमें एक सर्कल क्रिएट करना है
जिसका डायमेंशन 30 mm अप्लाई करेंगे। सिंपली इसको एक्सट्रूड कट। आप नेक्स्ट करेंगे तो ये जहाँ तक इसकी थिकनेस है वहाँ से एक्सट्रूड हो जाएगा, कट हो जाएगा, या थ्रू ऑल करोगे तो भी हो जाएगा। सी सेम सेम डिज़ाइन इसके अपोजिट लानी है हमें, तो इसके लिए मिरर प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट प्लेन और फीचर से बॉस फिलेट और कट। ओके फ्रंट प्लेन स्केच, 3 पॉइंट आर्क सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट, सेंटर पॉइंट सिलेक्ट, कंट्रोल की दबा के ओरिजिन पॉइंट क्लिक करेंगे और वर्टिकल। ओके इस लाइन को मिला देंगे। हमारा स्केच अभी फुली डिफाइंड नहीं है, इसकी विड्थ अप्लाई करेंगे 80 mm और इस लाइन से शिफ्ट की दबा के रेडियस आर्क सिलेक्ट करेंगे, इसकी हाइट रखेंगे 12.5। ये हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया। एक्सट्रूड बॉस बेज, ब्लाइंड कंडीशन मिड प्लेन, एट्टी एम एम बोथ साइड एक्सट्रूड। ओके ये हमारा डिज़ाइन बन गया, लेकिन कुछ कट्स लगाने अभी बाकी है, तो चलिए वो भी लगा देते हैं। इसके लिए राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, लाइन ऑटोमेटिक कन्वर्ट इनटू आर्क, बैक रिवर्स क्रसर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। इनके भी डायमेंशन अप्लाई कर देते हैं, 32 mm हाइट, ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट की है लेंथ 38 mm। इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ है 74 mm। आर्क रेडियस 38 mm। थर्टी एट यहाँ से यहाँ लंबाई, और डिफ़ॉल्ट जो आएगा रिवॉल्व कट के लिए सेंटर लाइन क्रिएट करनी ज़रूरी है, नहीं तो कट नहीं होगा। रिवॉल्व कट
एक्सिस लाइन 360 डिग्री। ओके अब देखिए, फ्रंट प्लेन स्केच, क्रिएट सर्कल, फ्रॉम हियर टू हियर डिस्टेंस बिटवीन 78, सर्कल डायमीटर 95 mm। Fully defined is not okay. हमारा स्केच फुली डिफाइन हो चुका है, अब हम इसको कट लगाएंगे इस फेस पर और इस फेस पर। कितना लगाएंगे? 3 3 mm, 3 mm इधर, 3 mm इधर। तो इसके लिए इसको एक्सट्रूड कट कितना लगाना है, इसके लिए हम जाएंगे एवेल्यूट मेजर, ये फेस और ये फेस दोनों का बीच का गैप 70 mm है। ओके फिर से एडिट स्केच, 70 mm, 3 mm कट, ये 3 mm कट, तो 76 mm फीचर एक्सट्रूड कट, मिड प्लेन 70 plus 6 76, 3 mm इधर और 3 mm इस साइड में, दोनों साइड में 3 3 mm कट लग चुका है। चैम्फर लगा देंगे हम, चैम्फर 1 mm, दिस सर्कल होल एंड दिस होल, ऑल्सो हियर 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 एंड इनसाइड। ओके डिज़ाइन इज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब नीचे बॉटम में कट लगाएंगे हम, रिवॉल्व कट। इसके लिए हम सबसे पहले सेंटर आर्क सिलेक्ट करेंगे, देन लाइन, ओके इसके डायमेंशन अप्लाई कर देते हैं। इसका गैप है इस सेंटर लाइन से 30 mm, फ्रॉम हियर टू हियर 90 mm, 19 mm, टॉप फेस टॉप लाइन से इस पॉइंट की लेंथ 3 mm एंड दिस लाइन 14 mm।
दिस पॉइंट इज टेंजेंट, ओ ओके, इसका इसकी रेडियस अप्लाई कर देते हैं 16 mm. के फुल्ली डिफाइन कैलकुलेट, ओके सॉरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट सम प्रॉब्लम हियर, ओके एंड हियर नाउ 14 mm. दिस रेडियस लेंथ 60, ओके सेंटर लाइन फॉर रिवॉल्व कट एंड वन मोर लाइन फॉर क्लोज दिस स्केच, ओके फीचर रिवॉल्व कट, यस आई वॉन्ट टू रिवॉल्व हियर, सेंड एक्सिस लाइन इज ऑटोमेटिकली क्रिएट 360 डिग्री, ओके फिलेट 1 mm हियर, ओके एंड चैम्फर 0.5 हियर एंड हियर, नाउ द क्रिएट होल, सो फर्स्ट ऑफ चूज पिच सर्कल डायमीटर PCD OD इज 100 mm, सिलेक्ट सर्कल एंड फॉर कंस्ट्रक्शन, ओके एग्जिट स्केच एंड सिलेक्ट दिस फेस एंड क्रिएट होल विजार्ड, सिंपली होल सिलेक्ट मैट्रिक ड्रिल ड्रिल साइज 10.5 mm अप टू नेक्स्ट एंड चूज पोजिशन, तो वी क्रिएट ए हियर एंड देन ओके, मोर सर मोर होल्स सर्क्यूलर पैटर्न सिलेक्ट हियर एंड दिस सर्कल फीचर इज दिस होल 6 होल वी आर क्रिएटिंग हियर एंड ओके, अप्लाई अपीयरेंस, गो टू मेटल स्टील कास्ट कार्बन स्टील,
ओके, सिलेक्ट होल वन टू, दिस फेस, आउटर फेस, इनर फेस, दिस फेस, ऑल्सो दिस फेस, दिस फेस, दिस कट, दिस इज द मशीनेबल मशीनेबल एरिया, सो वी आर अप्लाई सम अदर अपियरेंस हियर। All the selected carefully. And go to here and select all hole. Go to appearance and cast carbon and carbon steel, select carbon steel. Also this face, carbon steel. Our cross holder is creating okay, so very beautiful look wise. I hope you like this. ऐसे ही प्रोजेक्ट और ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।